तो पहला पॉइंट थीटा, तो पी थीटा कितना हो गया, ए कॉस थीटा कॉमा बी साइन थीटा ना, फिर पी थीटा प्लस अल्फा कितना हो गया, ए कॉस ऑफ थीटा प्लस अल्फा बी साइन ऑफ थीटा प्लस अल्फा, और फी थीटा प्लस टू अल्फा कितना हो गया, ए कॉस ऑफ थीटा प्लस टू अल्फा कॉमा बी साइन ऑफ थीटा प्लस टू अल्फा। यहां तक सब लोग समझ गए होंगे मेरे हिसाब से। अच्छा, अगर किसी ट्रायंगल के तीनों पॉइंट आपको पता चल गए, मान लो ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया और ये पॉइंट सी हो गया, तो ट्रायंगल का एरिया निकालने का तरीका है ना आपके पास, ए बी सी, तो ट्रायंगल का एरिया कितना होता है बताओ, 1/2 डिटर्मिनेंट ऑफ, बोलो, ए कॉस थीटा बी साइन थीटा, ए कॉस थीटा प्लस अल्फा बी साइन थीटा प्लस अल्फा, ये वाला याद है डिटर्मिनेंट, प्लस ए कॉस थीटा प्लस अल्फा बी, ये दो दो वाला डिटर्मिनेंट वाला फॉर्मूला है ना दिमाग में, नहीं है, ए कॉस थीटा प्लस टू अल्फा बी साइन थीटा प्लस टू अल्फा, बोलो भाई, और प्लस ए कॉस थीटा प्लस टू अल्फा बी साइन थीटा प्लस टू अल्फा, फिर ए कॉस थीटा और बी साइन थीटा। अब जैसे ही डिटर्मिनेंट ओपन करोगे तो एरिया कितना आएगा, 1/2 पूरे से ए बी कॉमन, यहाँ पे बचेगा साइन थीटा प्लस अल्फा माइनस थीटा, बोलो, यहाँ पे भी ए बी कॉमन, अंदर बचेगा साइन थीटा प्लस टू अल्फा माइनस थीटा माइनस अल्फा, यहाँ पर भी ए बी कॉमन, अंदर बचेगा साइन थीटा माइनस टू अल्फा, चेक करियो जरा, अरे हाँ है ना, तो पूरे उसमें क्या कैंसिल हो जाएगा थीटा, ये पूरा किस पे डिपेंड कर रहा है, ए बी और अल्फा पे, क्या ये थीटा पे डिपेंड कर रहा है, बोलो, तो इसका मतलब एरिया किस पे इंडिपेंडेंट है, थीटा पे, बोलो भाई, एरिया वाले एक्सप्रेशन में थीटा क्या हो गया सब जगह से कैंसल, तो बचा क्या आपके पास, ए बी और अल्फा, 1/2 ए बी पूरे से कॉमन, यहां बचेगा साइन अल्फा, यहां भी बचेगा साइन अल्फा, और यहां पर क्या बचेगा, माइनस साइन टू अल्फा, ये एरिया आ रहा है, तो वो किस पे इंडिपेंडेंट है, बोलो, थीटा पे, थीटा पे, ये आपका आंसर हो गया, पहला आंसर सबको समझ में आया कि नहीं, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, बोलो भाई, कंफ्यूजन, ए कॉस थीटा वन बी साइन थीटा, थीटा टू पॉइंट कितना होगा, ए कॉस थीटा टू बी साइन थीटा टू होगा। अच्छा, अगर हम इस पॉइंट को सेंटर कह दें तो ओ पी और ओ क्यू दोनों का स्लोप बताओ, ओ पी लाइन का स्लोप कितना आएगा, बी बाई ए टेन थीटा वन, बोलो, और ओ क्यू लाइन का स्लोप कितना आएगा, बी बाई ए टेन थीटा टू। अच्छा, ओपी और ओ क्यू दोनों का प्रोडक्ट कितना आएगा, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर टेन थीटा वन इंटू टेन थीटा टू। अच्छा, क्वेश्चन में टेन थीटा वन टेन थीटा टू कितना दिया हुआ है, माइनस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, कितना दिया हुआ है, माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ये प्रोडक्ट कितना आ गया उल्टा, सर रेसिप्रोकल है, ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, ये प्रोडक्ट माइनस वन आ गया, इसका मतलब ये कहां 90 एंगल बना रहा है, सेंटर पे, सेंटर, मतलब कॉर्ड जॉइनिंग थीटा वन एंड थीटा टू फॉर्म 90 एंगल एट सेंटर ऑफ इलिप्स एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू वन इफ 10 थीटा 1 इंटू 10 थीटा 2 इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ये समझ गया कि नहीं, बोलो भाई, कितने लोगों को ये बात समझ में आई, याद करके बताओ, थीटा 1 थीटा 2 को ज्वाइन करने वाली कॉर्ड अगर फोकल कॉर्ड होती है तो इसेंट्रिसिटी की वैल्यू कितनी होती है, क्विक सोचो जल्दी से, cos थीटा 1 माइनस थीटा 2 बाय 2 अपॉन cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 बाय 2। हां, अगर ये ae, 0 से पास कर रहा है, ये अल्फा और बीटा है, समझ रहे हो, ये p अल्फा और ये p बीटा है,
और इसको ज्वाइन करने वाली कॉर्ड ए कॉमा जीरो से पास कर रही है। तो यहाँ से याद है आपको, सबसे पहले आप इस कॉर्ड की इक्वेशन लिखते हैं, तो एक्स बाई ए कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई टू, y by b sin of alpha plus beta by 2 equal to cos of alpha minus beta by 2. अगर मैं इस इलिप्स को x square by a square plus y square by b square equal to 1 ले लूं, फिर मैं इसको a comma 0 से पास करा देता हूं, यहां से e की वैल्यू आ जाती है cos of क्या alpha minus beta by 2 upon cos of alpha plus beta by 2. यहां तक तो आप लोग पहुंच गए होगे ना। अब हमें इसी को एडजस्ट करके लिखना है, बस ये था क्वेश्चन। तो इसी में क्या करो, साइन अल्फा प्लस बीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड, साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई टू से ऊपर नीचे क्या कर लो, मल्टीप्लाई। जैसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा, और ये बन जाएगा टू साइन ए कॉस बी, मतलब साइन ऑफ ए प्लस बी बाई टू प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी बाई टू। एसेंट्रिसिटी की वैल्यू ये आ रही है, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा, डी ऑप्शन है क्या। देखो हमने सिर्फ इसी को, भाई यहां तक तो आप पहुंच ही गए होंगे, हमने बस इसमें इससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया है। क्यों? क्योंकि हमें रिजल्ट एडिशन में चाहिए ना। तो इस अल्फा माइनस बीटा बाई टू को अगर हमें अल्फा बीटा के टर्म में लिखना है तो इसका मतलब हमें भाई नीचे साइन या कॉस बनाना पड़ेगा। कॉस का टर्म आ गया, साइन ही बना सकते हैं, तो साइन अल्फा प्लस बीटा बाई टू से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके सीधा फॉर्मूला लगा दो। यहां तक तो आप पहुंच ही गए होंगे, बोलो बताओ भाई y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी क्या है भाई, कॉर्ड है ना। yes, इसकी कॉर्ड है तो सीधा y की वैल्यू रख दो, तो बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू जीरो होगा कि नहीं बताओ। तो यहां से बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस टू ए स्क्वायर एम सी एक्स और प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू जीरो। कॉर्ड है तो उसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो होगा। अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो होगा तो फोर ए की पावर फोर एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस फोर ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो होगा। यहाँ से फोर ए स्क्वायर कॉमन कर लेंगे तो ए स्क्वायर एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस माइनस क्या आएगा सी स्क्वायर बी स्क्वायर और माइनस सी स्क्वायर ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी की पावर फोर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर एम स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो होगा। ये और ये खत्म, बी स्क्वायर कॉमन लेके हटा दो तो माइनस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब आंसर क्या होगा बोलो, ए स्क्वायर एम स्क्वायर ग्रेटर होगा किससे बताओ, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से। बोलो भाई हाँ या ना, होगा कि नहीं होगा, बोलिए भाई। ये बात कितने लोगों को समझ में आई भाई, तरीका समझ में आया कि नहीं बताओ। सर इसका आंसर सी दिया था, इसका आंसर अच्छा नहीं, रियल पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है ना, तो इन्होंने टच वाले को भी काउंट कर लिया होगा ना, मतलब इन्होंने कॉर्ड भी काउंट किया होगा और टेंजेंट भी काउंट कर लिया होगा ना। यहाँ एक रियल पॉइंट और यहाँ दो, तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो ले लिया होगा, उस वजह से आंसर इन्होंने सी दिया। सही है ना, टच को भी इंटरसेक्ट काउंट किया है। बोलो, अरे हाँ है ना, तो यहाँ पे या तो कॉर्ड ले लो या क्या ले लो, टेंजेंट दोनों बातें ले सकते, ठीक है, कॉर्ड ले लो या टेंजेंट। बोलो, कोई भी एक कॉर्ड लेनी है जो सेंटर पे क्या बना है 90 एंगल, तो कोई भी एक कॉर्ड पिक कर लो। मान लो ये एलिप्स है, ये कॉर्ड उठा लो, देखो देखी
ये कॉर्ड इस पॉइंट और इस पॉइंट पे इलिप्स को कट करिए और ये दोनों पॉइंट सेंटर पे कितना एंगल बनाते हैं देखो 90 डिग्री बना रहे हैं कि नहीं। ये पॉइंट ए कॉमा जीरो हो गया और ये पॉइंट जीरो कॉमा बी हो गया, तो कॉर्ड की इक्वेशन कितनी हो गई एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू वन। तो कॉर्ड पर सेंटर से डाला गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो गया बोलो भाई। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आ गया 1/√1a² + 1/b² दैट इज ए बी अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आंसर हो गया नहीं। अच्छा ये किसी भी कॉर्ड के लिए वैलिड है, कोई भी कॉर्ड हो जो सेंटर पे कितना एंगल बना दे 90 बोलो भाई। तो उस कॉर्ड की उस कॉर्ड का सेंटर से डाला गया परपेंडिकुलर लेंथ यही होता है। इसको कहीं स्टार करके लिए नोट कर लो सही है। एनी कॉर्ड ऑफ इलिप्स विच मेक्स 90 एंगल एट द सेंटर ऑफ इलिप्स ठीक है हैविंग परपेंडिकुलर डिस्टेंस हैविंग परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां से फ्रॉम सेंटर इज 1/√1a² + 1/b² जहां पर 2a एंड 2b क्या है लेंथ ऑफ मेजर एंड माइनर एक्सिस। बात हो गई खत्म। अब इलिप्स की इक्वेशन कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसी कॉर्ड लो जो इलिप्स के सेंटर पे 90 एंगल बना दे हाँ या ना। ऐसी कॉर्ड लो जो इलिप्स के सेंटर पे 90 एंगल बनाए तो उसपे सेंटर से डाला गया परपेंडिकुलर लेंथ हमेशा 1/√1a² + 1/b² के बराबर ही होगा। ये बात सभी लोगों को समझ में आ गई होगी बोलो भाई। ये बात सभी लोगों को समझ में आई क्लियर है कि नहीं यहाँ तक बताओ। यस सर। कोई भी कॉर्ड लेनी थी तो हमने बस एक ऐसी कॉर्ड पिक कर ली जो 90 एंगल बना रहा है। करने के दो मेथड है मेरे पास ठीक है। सबसे पहले पहला मेथड देखो क्या ये स्टैंडर्ड इलिप्स है बोलो। तो अगर मैं टेंजेंट लिखूं ऑफ स्लोप एम तो क्या लिखूंगा y = mx + √√a² m² + b². अच्छा हमें टेंजेंट दी क्या है बोलो y = cos α/sin α (x) + p/sin α दी है कि नहीं। दोनों टेंजेंट क्या होंगी कोइंसाइड होंगी कि नहीं बोलो। अगर कोइंसाइड होंगी तो इसका मतलब 1/√a² m² + b² / p/sin α चेक करियो सही लिखा है। यहां से m की वैल्यू कितनी आ रही है बताओ -cot α दिखा और यहां से p² / sin² α कितना आ रहा है a² m² + b² बस यही वैल्यू उठा के यहां रख दो। तो p² / sin² α = a² cos² α / b² sin² α / sin² α खत्म a² cos² α + b² sin² α = p² ये आंसर आ गया दिखा कि नहीं सबको बताओ। a² cos² α + b² sin² α = p² सी आंसर आ रहा बोलो भाई। वही कंडीशन लगा दी हमने c² = a² m² + b² ना बोलो भाई। हमने क्या कंडीशन इसमें यूज की है कि अगर y = mx + c is tangent for
एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू वन, याद है सी स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही कंडीशन बस यूज कर लिया मैंने, नहीं समझे, बोलो भाई ये क्यों यूज कर पाए, समझ में आया, क्योंकि ये कैसा एलिप्स था, स्टैंडर्ड वाले फॉर्म में था, इसलिए डायरेक्ट रिजल्ट यूज कर सकते हैं। अच्छा मान लो सपोज हमारे दिमाग में ये रिजल्ट नहीं होता तो क्या करते, तब तो यार सिंपल था भाई, ये क्या डिस्क्रिमिनेंट जीरो कर देते भाई, यहां से वाई एक्स किसी की वैल्यू रख दो, बोलो तो हम क्या किसकी वैल्यू निकाले, वाई की निकाल ले, बताओ तो वाई की वैल्यू कितनी आती, पी माइनस एक्स कॉस अल्फा वाई साइन अल्फा, यही तो है, इज टेंजेंट फॉर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू जीरो, यहीं पे वाई की वैल्यू रख देते हैं, तो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पी माइनस एक्स कॉस अल्फा का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू जीरो, यहाँ से क्वाड्रेटिक बना के उसका डिस्क्रिमिनेंट क्या कर देते हैं, जीरो, जैसे डी जीरो करते यही रिजल्ट आ जाता, नहीं समझे मैथड टू बताओ, कर लेगी मैथड टू, मैं करूं मैथड टू सॉल्व कर लेंगे, मैं करूं बताओ, कर लेंगे सर, कर लेंगे, अब पहली चीज जिसमें पहली इंफॉर्मेशन यूज होगी वो ये होगी कि टेंजेंट एट द एंड पॉइंट ऑफ लैटस वेक्टर ऑलवेज इंटरसेक्ट कहाँ पे, बोलो, मेजर एक्सिस, ऑन मेजर एक्सिस ऑफ एलिप्स, पहली बात तो ये हो गई। अच्छा अब अगर ये मेजर एक्सिस पे इंटरसेक्ट करता है ना, तो ये जो चारों टेंजेंट से जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है उसे हम क्या कहेंगे, दूसरी बात, क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय टेंजेंट एट द एंड पॉइंट ऑफ, क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय टेंजेंट एट द एंड पॉइंट ऑफ लैटस रेक्टम, क्या होगा वो, पैरेललोग्राम, इस पैरेललोग्राम, क्या होगा भाई, पैरेललोग्राम होगा सर। अब हमें अगर इस पैरेललोग्राम का एरिया निकालना है तो हम अगर इस क्वार्टर का एरिया निकाल लें तो इसी का फोर टाइम्स करेंगे तो टोटल एरिया निकल आएगा, अरे हाँ है ना, तो अगर हमसे ये कहा जाए एरिया ऑफ ए बी सी डी तो फोर टाइम्स ऑफ, अगर हम इसको ओ कह दें तो एरिया ऑफ ओ ए बी होगा कि नहीं बताओ, अब ओ ए बी का एरिया निकालना है तो इस पॉइंट को अगर हम कह दें ए कॉमा बी स्क्वायर बाई ए है तो टेंजेंट क्या होगा बताओ, टेंजेंट एट ए कॉमा बी स्क्वायर बाई ए फॉर एलिप्स एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू वन, एक्स प्लस वाई इक्वल टू ए, एक्स प्लस वाई इक्वल टू ए, समझ में आया, तो एक्स अपॉन ए बाई ई y अपॉन a इक्वल टू वन आएगा, आया कि नहीं बोलो, अरे हाँ या ना, यहां तक कोई कंफ्यूजन आ रहा है तो बताओ, बोलिए, अच्छा यहां तक अगर कोई कंफ्यूजन नहीं आ रहा ना तो इसमें एक बात और आपके समझने वाली आ गई, वो ये आ गई, इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, एक बात आपके लिए और आ गई, अगर इसका x इंटरसेप्ट देखो तो वो a बाई ई है और a बाई ई वही लाइन है जहां पर डायरेक्ट्रिक्स इसको कट करता है, देखो a बाई ई वही लाइन है जहां से डायरेक्ट्रिक्स पास करती है, आया ना, यस सर, ये समझ में आया,
इसका मतलब टेंजेंट एट द एंड पॉइंट ऑफ द लेटर सेक्टम ऑलवेज इंटरसेक्ट ऑन मेजर एक्सिस, और किस पॉइंट पे? मेजर एक्सिस, द पॉइंट वेयर डायरेक्ट्रिक्स कट्स दी मेजर एक्सिस। ये तीनों कंकरेंट हो गई ना, मतलब बेटा दो नहीं, लाइन। हम्म, दोनों लैटिस रेक्टम पे खींची गई टेंजेंट का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो वही पॉइंट है जहां पर डायरेक्ट्रिक्स किसको कट कर रहा है, मेजर एक्सिस को। समझ गया कि नहीं? क्योंकि ये पॉइंट कितना आता है, ए बाई ई कॉमा जीरो, और ये पॉइंट कितना आता है, माइनस जीरो कॉमा ए ना, जीरो कॉमा ए ना। बोलो अब बताओ यस इसका इसका एरिया कितना हुआ? ये ए हो गया, ये ए बाई ई हो गया, तो ये टोटल एरिया कितना हो गया, 1/2 ए इंटू ए बाई ई। तो टोटल एरिया कितना आ रहा है, 2a² / e। बोलो तो टोटल क्वाड्रिलेटरल का एरिया कितना आता है, 2a² / e। समझ गए कि नहीं? अब बस ये लास्ट वाला रिजल्ट और लिख, सही है ना? इस पैरलोग्राम और जिसका एरिया कितना होता है, बोलो, विद एरिया 2a² / e, जहां पर 2a and 2b आर दी लेंथ ऑफ मेजर एंड माइनर एक्सिस। ये पूरी थ्योरी हो गई। समझ गया थ्योरी कि नहीं, बताओ? तो अब आपको इस, अगर ये क्वेश्चन आपके सामने आता तब तो आपको इस क्वेश्चन में क्या करना था, बस ये बताओ। बोलो आप क्वेश्चन सॉल्व करो, निकाल क्वेश्चन सॉल्व करो, टोटल एरिया ही तो आपको कैलकुलेट करना है कि नहीं, बताओ? हाँ, है ना? अब आंसर बताओ। तो एरिया कितना होगा इसका, 2a² / e। अच्छा, a² 9 है, इसेंट्रिसिटी हो गया 1 - b² / a², तो वो कितना आ गया, 2/3। तो आंसर कितना आया, टू टू इंटू नाइन इंटू टू बाई नहीं थ्री 3/2, 2 से 2 कैंसिल, आंसर इज 27। बिल्कुल नहीं समझे क्या है, थ्योरी क्लियर हुई कि नहीं, बताओ? यस सर। इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड पॉइंट ऑफ लैटिस रेक्टम, हेडिंग इसमें लिख लेना, टेंजेंट्स ड्रॉन एट एंड पॉइंट ऑफ लैटिस रेक्टम, इससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है वो ये रहा। ओके समझ गए कि नहीं भाई? नोट कर लिया ना सबने? आंसर तो दो लाइन का था बट क्या था ये समझ लो। क्लियर हुआ कि नहीं, बताओ? बेस हाइट बस इतना निकालना है आपको। तो कॉर्ड ऑफ क्वाड्रेट की इक्वेशन बताओ, इक्वेशन ऑफ, इक्वेशन ऑफ ए बी बोलो, 0 × x / 16 प्लस y × 5/9, टी इक्वल टू 0 होता है ना, यस सर, यस माइनस सर, वन, माइनस वन भी आएगा ना यहाँ पे, यहां से y इक्वल टू 9/5 आ रहा है क्या, चेक करिए। यस सर, यस। अब ये लाइन आ गई y इक्वल टू 9/5, समझ गए? बोलो। अच्छा, तो y इक्वल टू 9/5 और x² / 16 प्लस y² / 9 इक्वल टू 1 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो। तो x² / 16 प्लस 81/25 × 9 इक्वल टू 1, x² / 16 इक्वल टू 1 - 9/25, 16/25, x की वैल्यू प्लस माइनस 16/5 आ रही है क्या,
यस सर तो जो ए पॉइंट आएगा वो कितना आ जाएगा, -16/5, 9/5, और जो बी पॉइंट है वो कितना आ जाएगा, 16/5, 9/5. तो ए बी लेंथ कितनी आ गई, 32/5 आया ना। अच्छा अगर इस पॉइंट को डी मान ले तो पी डी लेंथ कितनी आ गई, भाई ये पूरी लेंथ 5 है और यहां से लेके यहां तक की लेंथ 9/5 है, ये आ गया 5 - 9/5, 16/5 क्या। Yes, sir. एरिया कितना आया, वन बाई टू, 32/5 इंटू 16/5, आंसर कितना आ रहा है बोलो, 256/25 है कोई ऑप्शन, तरीका समझ गया होंगे। यहां से बस खींची गई कॉर्ड ऑफ क्वांटिटी इक्वेशन निकाली, उससे ये दोनों पॉइंट निकाल लिया आराम से, इस ट्रायंगल का एरिया निकाल दिया, और तो कोई तरीका था नहीं। बोलो भाई, चलो आओ करते हैं। पहला कह रहा है कि एक इलिप्स दिया हुआ है, x²/9 + y²/4 = 1, तो एक इलिप्स ले लो। अच्छा ए और ए डैश जो है वो क्या है, वर्टेक्स है, मतलब ए और ए डैश, ए कितना हो गया बताओ जल्दी, हॉरिजॉन्टल हो गया, ये पॉइंट हो गया 3,0, ये पॉइंट हो गया -3,0, पी कोई भी पॉइंट लिया गया तो पी पॉइंट कितना होगा बताओ, 3 cos θ, 2 sin θ, आगे बढ़ो। फिर इस पर डाली गई टेंजेंट, ठीक है ना, तो पी पे टेंजेंट खींचो, टेंजेंट एट पी कितनी हो गई बताओ, x/3 cos θ, y/2 sin θ = 1। अच्छा ये टेंजेंट किसको इंटरसेक्ट कर रही है, y एक्सिस को, मतलब x को 0 रख दो तो q पॉइंट निकल आएगा ना, तो q पॉइंट कितना आ रहा है बताओ, 0,2 cosec θ। चलो आगे बढ़ो, a' p को ज्वाइन किया गया ये, तो बताओ इक्वेशन ऑफ ए डैश पी कितना हो गया, तो वाई माइनस 0/x+3 = 2 sin θ / 3 cos θ + 3। बोलो भाई सही लिख रहा हूं मैं। अच्छा इसका इंटरसेक्ट वाई एक्सिस से एम है, एम पॉइंट के लिए क्या करोगे, ये तो हमने फॉर किया, एक्स को जीरो रख दो, तो जैसे x को 0 रखोगे तो ये पॉइंट कितना आएगा, 0,6 सर, 3 कट जाएगा, अच्छा 3 कैंसिल हो जाएगा, ओके तो 2 sin θ / 1 + cos θ, ऐसा यस सर सही लिखा है, ये भी आ गया, चलो m भी आ गया, ये m आ गया। आगे क्या कह रहा है, o ओरिजिन है, वेरी गुड, अब आपको डिस्टेंस निकालनी है ओ क्यू और एम क्यू, ये डिस्टेंस चाहिए, पहले बताओ व्हाट इज ओ क्यू, 2/sin θ, हाँ या ना। अच्छा व्हाट इज एम क्यू, एम क्यू डिस्टेंस कितनी होगी, ओ क्यू माइनस ओ एम, ओ क्यू डिस्टेंस कितनी है बोलो, 2/sin θ, 2/sin θ, और ये डिस्टेंस कितनी है, 2 sin θ / 1 + cos θ, 1 + cos θ, तो इस डिस्टेंस को सिंपलीफाई करेंगे, sin θ 1 + cos θ, 2 कॉमन, अंदर क्या बचेगा, 1 + cos θ - sin²θ क्या, यस सर अच्छा 1 - sin²θ कितना हो गया, cos²θ, पूरे से cos θ कॉमन अंदर बचेगा, 1 + cos θ क्या, sin θ 1 + cos θ, देखो सही लिख रहा हूँ, तो क्या ये 2 cos θ / sin θ आ गया, देखिए नहीं, अरे हाँ है ना, अब आपको क्या निकालना है,
ओ क्यू स्क्वायर माइनस एम क्यू स्क्वायर। ओ क्यू कितना आ रहा है 4 बाई साइन स्क्वायर थीटा, और ये कितना आ रहा है 4 cos² θ / sin² θ। 4 common 1 - cos² θ / sin² θ। खत्म, आंसर 4 आ रहा है। नहीं, जैसा कहता जा रहा था वैसा करते चलेगा बस, खत्म। बोलो भाई। नहीं, जैसा क्वेश्चन में कहता जा रहा था बस हम वैसे पॉइंट निकालते चले गए, सीधा आंसर आ गया। बोलो, ट्रायंगल बनता है उसका मिनिमम एरिया ही तो निकालना है। नहीं निकला? अरे 71 किसी ने सॉल्व किया कि नहीं? यस सर, हो गया था, हो गया था सर। सीधा उस साइन टू थीटा की वैल्यू शायद रख देते ना, ये बनेगा। थीटा पे जैसे आप टेंजेंट लिखोगे तो टेंजेंट एट थीटा कितनी हो जाएगी, टेंजेंट एट पी थीटा कितना हो जाएगा, एक्स बाई ए सेक थीटा वाई बाई बी कॉसेक थीटा इक्वल टू वन। ये वाला पॉइंट कितना आ जाएगा, ए सेक थीटा कॉमा जीरो, इतनी बार तो निकाल चुके, ये पॉइंट जीरो कॉमा बी कॉसेक थीटा, ये सेंटर हो गया ना। हाँ सर, तो ये एरिया कितना आ गया इस ट्रायंगल का, हाफ इनटू ए से थीटा इनटू बी कॉस, ए बी बाय साइन 2 थीटा, ए बी बाय 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये आ रहा है क्या? ना 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 सर, वो अपॉन साइन तब डिवाइड में आएगा। हाँ, ए बी बाय 2 साइन थीटा कॉस थीटा ना, ये बन जाएगा ए बी बाय साइन 2 थीटा, और इसको क्या करना है मिनिमम, तो फॉर मिनिमम एरिया क्या करोगे, साइन टू थीटा मैक्सिमम, मैक्सिमम कर दो तो मिनिमम एरिया की वैल्यू कितनी आ गई, ए बी। हाँ खत्म, ए बी आंसर हो गया, ये तो हो जाना चाहिए था। चलिए 72 देखो, एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस वाई स्क्वायर बाई 1 इक्वल टू 1, हॉरिजॉन्टल है ये, है ना। अच्छा, इनस्क्राइब्ड है एक रेक्टेंगल के अंदर जो कि कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल है। अच्छा, ये एलिप्स जो है ना वो एक रेक्टेंगल के अंदर है, नहीं क्या? यस सर। तो रेक्टेंगल क्या होगा, मेजर और माइनर एक्सिस के एंड पॉइंट से ही तो बना होगा, बताओ। यस सर, वो रेक्टेंगल मेजर और माइनर के एंड पॉइंट से ही तो बना होगा। नहीं क्या? क्या बोलते हो? तो वो ये रेक्टेंगल मेजर और माइनर के एंड पॉइंट से बन गया, इसके अंदर ही आ गया, तो ऑब्वियसली ये वाला पॉइंट कितना आएगा, 2, 0, ये -2, 0। हाँ है ना, ओके। और ये वाला पॉइंट 0, 1, ये वाला 0, -1, ये वाला जो पॉइंट आएगा वो आएगा 2, 1। अब क्या कह रहा है बताओ, कह रहा है कि इनस्क्राइब अनदर एलिप्स विच पासेस थ्रू 4, 0। अच्छा, इसके अंदर एक और एलिप्स, मतलब इसके बाहर एक और एलिप्स बनाया गया है ना, जो इसके चारों कोनों से पास कर रहा है। ओ सॉरी, एक और एलिप्स बनाया गया जो इसके चारों कोनों से पास कर रहा है, और साथ में वो कहां से पास कर रहा है, 4, 0। तो इस आउटर एलिप्स की इक्वेशन क्या होगी बताओ, सोच के, क्या वो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 होगी, क्योंकि उसका सेंटर तो सेम ही रहेगा ना। अच्छा, ये वाली लेंथ उसके लिए ए होगी, ए की वैल्यू 4 हो गई, हाँ या ना। अच्छा, ये किस पॉइंट से पास करेगा, 2, 1, इसको सेटिस्फाई करा देंगे तो 4 बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 1 इक्वल टू 1 आएगा, हाँ या ना। तो इसका मतलब अब ए स्क्वायर की वैल्यू 16 रखेंगे तो वाई स्क्वायर बाई 1 प्लस 1/4 इक्वल टू 1, तो वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या 3/4 आ रही है, चेक करियो, सॉरी वाई स्क्वायर
क्या किया है मैंने, फोर बाई ए स्क्वायर प्लस वन बाई बी स्क्वायर इक्वल टू वन, अभी ठीक है क्या? वन बाई फोर प्लस वन बाई बी स्क्वायर इक्वल टू वन, तो यहाँ से वन बाई बी स्क्वायर थ्री बाई फोर आया, तो बी स्क्वायर की वैल्यू क्या फोर बाई थ्री आ रही है, चेक करियो। यस सर, तो इसका मतलब एलिप्स की इक्वेशन क्या आ रही है, एक्स स्क्वायर बाई सिक्सटीन प्लस वाई स्क्वायर बाई फोर बाई थ्री इक्वल टू वन, तो आंसर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 12y स्क्वायर इक्वल टू 16, क्या देखो? यस सर, यही है ए आंसर आ रहा है। कितने लोगों को समझ में आया भाई ए आंसर? आ गया सर। तो भाई पहला वाला एलिप्स जो है वो रेक्टेंगल के अंदर था, दूसरा वाला एलिप्स रेक्टेंगल के बाहर था, बस ये था तरीका। और क्योंकि एक्सिस जो है वो कोऑर्डिनेट एक्सिस थी, तो सीधा स्टैंडर्ड इक्वेशन उठा लिए क्योंकि सेंटर ओरिजिन था। मेजर करना है ना भाई, अगर पहली लाइन पढ़ोगे तो क्या कह रहा है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ड्रॉन फ्रॉम अल्फा बीटा टू दिस, तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट क्या हुआ बताओ, बोलो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट क्या हुआ, अल्फा एक्स बाई ए स्क्वायर प्लस बीटा वाई बाई बी स्क्वायर इक्वल टू वन, मिल गया। और यही क्या है, टेंजेंट है किसका, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। तो अगर यही कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट सर्कल का टेंजेंट है, तो सर्कल के सेंटर से डाला गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होना चाहिए, रेडियस के बस, जीरो जीरो से डाला गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा, वन अपॉन रूट अंडर अल्फा स्क्वायर बाई ए स्क्वायर बीटा स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू सी, तो लोकस कितना आएगा बताओ, पावर फोर होगा, तो लोकस ऑफ अल्फा बीटा कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई ए की पावर फोर वाई स्क्वायर बाई बी की पावर फोर इक्वल टू वन अपॉन सी स्क्वायर, है कोई ऑप्शन, सी आ गया सर, देखो दो लाइन का ही तो सवाल था, अल्फा बीटा पे कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट लिखा नहीं, किसी को कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताओ, बोलो भाई किसी को कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो, ये कुछ इस टाइप का क्वेश्चन क्या आज की क्लास में आपने किया है, सोचो। yes, याद आया भाई, इसेंट्रिक एंगल अगर हमें पाई बाई फोर दे दिया गया है, तो क्या हम उस पॉइंट पर टेंजेंट और नॉर्मल लिख सकते हैं कि नहीं बताओ, एंगल अगर हमें पाई बाई फोर दे देगा तो उस पर हम टेंजेंट और नॉर्मल लिख लेंगे, सेंटर से उस पर डाला गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस और बनाया गया एक रेक्टेंगल, इसी रेक्टेंगल का एरिया निकालना है, तो रेक्टेंगल का एरिया निकालने के लिए ये वाली लेंथ ए मतलब डी वन निकाल लो और ये वाली लेंथ डी टू निकाल लो, दोनों का प्रोडक्ट कर दो तो एरिया रेक्टेंगल का निकल आएगा। तो टेंजेंट बताओ जरा, स्टैंडर्ड इलिप्स है, स्टैंडर्ड इलिप्स मतलब एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू वन, तो बताओ जरा टेंजेंट एट पी पाई बाई फोर कितना होगा, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू रूट टू, हाँ या ना, और नॉर्मल एट पी पाई बाई फोर कितना होगा, ए एक्स माइनस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई रूट टू, बोलो, नहीं समझे, डी वन कितना होगा, रूट टू बाई रूट अंडर वन बाई ए स्क्वायर प्लस वन बाई बी स्क्वायर, इसका मतलब रूट टू ए बी बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, डी टू कितना होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई रूट टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना आएगा, बोलो कितना आएगा, रूट टू कैंसिल, ए बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए आंसर है क्या, यस सर, तरीका समझे कि नहीं बताओ, बोलो भाई कितने लोगों को ये तरीका समझ में आया भाई, यस सर, हाँ और कोई बच्चा